ये छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और वन परिवहन मंत्री कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर एक दिवसीय कवर्धा दौरे पर रहे। दरअसल कवर्धा में दो समुदायों के बीच हिंसा के 11 दिनों बाद वो कवर्धा पहुंचे हैं। आम नागरिक और विपक्षी पार्टी के नेता नाराज हैं क्योंकि इतनी बड़ी घटना कवर्धा में घटी, लेकिन मंत्री अकबर कवर्धा ने पहुंचकर ऊपर रायपुर में बैठकर सारी जानकारियां अपने अधिकारियों से ले रहे थे। इसके साथ साथ दोनों मंत्री ने सर्व समाज और उच्च अधिकारियों से बैठकर चर्चा भी की। और हम नहीं चाहते थे कि प्रशासनिक व्यवस्था में हम हस्तक्षेप करें, और इस कारण से लगातार भले यहाँ नहीं आए लेकिन पल पल की खबर थी और पूरे समय में हम लोग लगे रहे और किस प्रकार से नियंत्रण हो सके। दो दो बार बैठकें कराई, शांति समिति की बैठक हुई, समाज प्रमुखों की बैठक हुई, आप लोगों से भी लगातार अलग अलग माध्यम से हम लोग निवेदन करते रहे, और आज जब स्थिति सामान्य है तो और अच्छा मजबूती से ये स्थापित हो जाए, शांति हो जाए, इस कारण माननीय गृह मंत्री जी आए हैं। कोई जांच वाँच के संबंध में नहीं आए। अभी बातें आई हैं अंदर में पुलिस की भूमिका के विषय में, तो निश्चित तौर पर मैं वरिष्ठ अधिकारियों से, हालांकि एडीजी तुरंत यहां भेज आ गए थे, अभी चूँकि जांच प्रक्रिया चल रही है इसलिए हम उधर ध्यान नहीं दिए हैं, अभी उसकी भी भूमिका पे अगर देखने को होगा तो जरूर देखेंगे। कांकेर से 150 किलोमीटर दूर पखांजूर में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। पिछले साल कोरोना की वजह से पखांजूर में दुर्गा पूजा का त्यौहार लोग ठीक से नहीं मना पाए, जिसके चलते इस साल पूजा में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूजा पंडालों में निरीक्षण करने खुद एसपी पहुंचे, जहां बांदे कापसी और पखांजूर पूजा में किसी भी तरह की कोई बाधा ना हो इसलिए सुरक्षा को बढ़ाया गया है। बता दें कि पखांजूर में दुर्गा पूजा का एक विशेष महत्व है और इसी को देखने के लिए विधायक से लेकर पूर्व मंत्री इस पूजा को देखने पखांजूर पहुंचे और पंडालों में निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया। सबसे पहले तो मैं पूरे क्षेत्रवासियों को नवरात्रि की एवं आगामी दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, और क्योंकि पखांजूर और जो पूरा परलकोट इलाका है यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से और काफ़ी उत्साह से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, तो इसी वजह से एक त्यौहार के मद्देनज़र और सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैंने सोचा कि एक बार विजिट करना ठीक रहेगा। और कल से ही हम यहाँ पे हैं, अलग अलग इलाकों में विजिट करके अलग अलग दुर्गा पूजा के जो पंडाल हैं वहाँ पर भी जा करके देखा, सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया, साथ साथ जो उत्साह से त्यौहार मना रहे। तो वही बस्तर के जात्रा मंदिर में नवरात्रि पूजा के दौरान मां खमेश्वरी की पूजा के दौरान 12 बकरों की बलि देने की परंपरा है। इसके लिए 12 गांवों के राउत माता के लिए भोग प्रसाद तैयार किया जाता है। पूजा विधान बस्तर की खुशहाली के नगर में करीब 200 वर्षों से प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है। दशहरा के कई रस्मों में निशा जात्रा का विशेष महत्व है। अर्धरात्रि के बाद में 12 बजे के बाद इस पूजा की विधान होती है। ये सालों से चली आ रही ये परंपरा है, जिसमें कि एक जो हमारे आराध्य शक्तियाँ हैं इनको बुलाई जाती है, आह्वान किया जाता है, तंत्र विद्याओं की पूजा होती है। इसमें जो आप देख रहे हैं एक चावल का भोग लगाया गया, नमक का भोग लगाया जाता है, तंत्र विद्या में ज़्यादातर नमक का ही भोग लगाया जाता है, तो उसका भोग लगा करके माता को समर्पित किया जाता है। और इसमें कामना ये की जाती है कि किसी भी तरीके की अगर कोई गलती हुई हो हम सबसे, बस्तर संभाग के सभी जनों से, उसके लिए माफी राजा खुद मांगते हैं और संकल्प जो लेते हैं पूरे जनता के लिए लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बेमतरा में नवरात्रि दुर्गा अष्टमी हवन पूजन के साथ और विसर्जन के साथ समाप्त हो गई। बता दें कि पूरे क्षेत्र में 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्र पर्व की धूम रही है। दरअसल कोरोना काल के बाद एक साल के अंतराल में ये पर्व लोगों के लिए काफी सुख में रहा है। नवरात्रि के समाप्त होने के बाद 9 कुमारी कन्याओं को भोजन प्रसाद खिलाया गया। तो वही छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की ग्राम पंचायत केपी के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल ग्रामीणों का यह आरोप है कि ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव की तरफ से उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। वहीं कई ऐसी आवश्यकताएं भी हैं जिनकी ग्राम पंचायत ग्रामीणों को पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ग्राम पंचायत केपी के ग्रामीणों ने यह ज्ञापन सौंपा है जो आप देख रहे हैं। सीएम के नाम ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और उनकी तरफ से कहा गया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो आगे अपनी रणनीति को तय करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा की ये पूरी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर ग्राम पंचायत केपी के ग्रामीणों ने
ये ज्ञापन कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर सौंपा। सरगुजा में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। 220 ग्राम ब्राउन शुगर पुलिस ने जब्त की है, जबकि जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई गई है। सरगुजा पुलिस की ये दो दिनों में नशे के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई। ये कार्रवाई पुलिस ने नव अभियान योजना के तहत की है। पुलिस ने अपने अभियान के तहत इसके खरीदार और विक्रेता दोनों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू की। हमने आज भी एक बहुत अच्छी कार्रवाई की है। इसमें जो है हम लोगों को ये पता चला था, मुझे ऐसे हमको सूचना मिली थी कि शंकर घाट के पास अंबिकापुर में ही एक झारखंड निवासी जो है वो आने वाला है, और इधर मैं हमारा समूह प्रकाश गुप्ता नाम का एक व्यक्ति जो है उसके बेचने वाला है ब्राउन शुगर। तो हमने उसको घेराबंदी किया और पकड़ा। तो हम लोगों को ये समझना है कि प्रकाश गुप्ता के पास में 10 ग्राम जो है ब्राउन शुगर मिला है, और सुनील प्रसाद जो है उसके यहाँ से हम लोगों को 200 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है। तो कुल मिला के जो है दो दिन की कार्रवाई में हम लोगों को। तो वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में कन्या पूजन के साथ राम जानकी कुंड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। छतरपुर सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया और इंजीनियर महेंद्र पटेल ने कहा है कि 6 महीने के अंदर राम जानकी कुंड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। व्यापारी नेता लालू लालवानी ने कहा है कि नवरात्रि में राम जानकी कुंड का भूमि पूजन कर कार्य शुरू करवाया गया है। ये कुंड बनने के बाद प्रदेश का सबसे सुंदर कुंड कहलाएगा। राम जानकी कुंड का कार्य कलेक्टर सर के अनुमति से आज कन्या पूजन के साथ भौतिक रूप से शुरू किया गया है, और निर्माण कार्य आज से कन्या पूजन के साथ प्रारंभ कर दिया गया है। और इसमें सभी लोगों से ये अपील ज़रूर आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि जितने लोगों ने भी इसमें सहयोग के लिए कहा है, और वो उतना तो ठीक है, लेकिन उससे अधिक शहर के लोगों को प्रेरित करें ताकि जो एक जानकी कुंड का जो स्वरूप है। मध्य प्रदेश के रतलाम के मोहन नगर क्षेत्र में पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई। प्लास्टिक पाइप का यह गोदाम रिहायशी इलाके और पेट्रोल पंप के पास है। मोहन नगर के कुछ घर भी आग और धुएं से प्रभावित हुए। पुलिस और प्रशासन ने रिहायशी इलाके को खाली करवा लिया है। आग पर काबू पा लिया गया है, तो वहीं आग को बुझाने के लिए 7 से 8 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए भेजी गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं जबलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने एक मिनी ट्रक भी बरामद किया जिसमें अवैध शराब जबलपुर लाई जा रही थी। आरोपी अंग्रेजी शराब को धान के भूसे में छिपाकर जबलपुर ला रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना पर बरगी पुलिस ने एक मिनी ट्रक को रोककर उसमें रखी 12 लाख की शराब को बरामद कर दिया। बता दें कि सिवनी से जबलपुर ये शराब लाई जा रही थी, साथ ही 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया। जबलपुर की रांची थाना स्थित मस्ताना चौक के पास रहने वाले मेडिकल स्टोर के संचालक सौरभ साहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले सौरभ साहू ने एक सुसाइड नोट और अपना एक वीडियो भी छोड़ा है, जिस पर उन्होंने डॉक्टर तरनजीत सिंह गुजराल, काके गुमर समेत कुछ अन्य लोगों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का संगीन आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मृतक जो है सौरभ साहू, ये भी खुद किराए से मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। वो दुकान जो है इनके चाचा की है, ऋषि साहू की। और जो आपने बात कही कि सुसाइड नोट मिला है, प्रथम दृष्टया जो है मर क्रमांक 62/21 धारा 174 मर कायम कर जांच में लिया गया है, और आज 13/10/2021 को शव पंचायतनामा कार्यवाही के दौरान मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें कुछ लोगों के नाम हैं, और शव पंचायतनामा कार्यवाही के पश्चात जो पोस्टमार्टम। तो वहीं जबलपुर की गढ़ा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनसे 8 किलो गांजा, 23,000 रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपियों से 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की है, और फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। आज दिनांक 13/10/2021 को सुबह करीबन 4 बजे एक विश्वस्त मुखबिर से सूचना मिली थी कि मदन महल दरगाह पहाड़ी रोड पे गैस गोदाम के आगे 2 मोटरसाइकिलों में सवार हैं और कुछ मादक पदार्थ अवैध रूप से गांजे का अपने कब्जे में ले रहे हैं, जिसपे NDPS एक्ट के तहत संपूर्ण कार्रवाई करते हुए हमरा अपने थाना गढ़ा के प्रधान आरक्षक जगदीश मेजर और स्टाफ को और क्राइम ब्रांच के स्टाफ को
साथ लेकर के मदन महल दरगाह मुखी द्वारा बताए हुए स्थान पे तो वही छतरपुर जिले के लवकुश नगर में लगे स्टेट हाईवे के गिरधारी टोल टैक्स बैरियर पर बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया है। टैक्स कर्मचारियों का ये आरोप है कि बीजेपी नेता के साथ सवार होकर आए युवकों ने टोल टैक्स बैरियर पर कर्मचारी के साथ मारपीट की। पूरी वारदात टोल टैक्स बैरियर पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। टोल टैक्स कर्मचारियों का ये भी आरोप है कि बीजेपी नेता अपने एक दर्जन साथियों के साथ आकर टोल टैक्स बैरियर पर निकल रहे ट्रकों से टोल टैक्स नहीं लेने का दबाव बनाकर धमका रहे थे।